स्टूडेंट्स, तो आज हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। अगर एसी सर्किट में ओनली कैपेसिटेंस कनेक्ट हो तो उसके वोल्टेज और करंट के फेज डिफरेंस में क्या फर्क पड़ेगा, कितना फेज में चेंज होगा और उसका फेजर डायग्राम क्या होगा, एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी हम यहां पर पढ़ने वाले हैं कि कैपेसिटर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ओके, तो हमने लाइक किया कि ये हमारे पास एक एसी सोर्स है जिससे हमने कैपेसिटर को कनेक्ट किया है और इसकी वोल्टेज है E equal to E naught sin omega t, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नेम दे रखा है। तो यहां से करंट फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा, जिससे ये क्या होगा बच्चों, चार्ज होगा। ठीक है, यहां से करंट फ्लो होगा आई और इस पर क्या आएगा, चार्ज आएगा हमारे पास क्यू। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर इसमें जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, मैं लिख लेता हूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, कितना डेवलप होगा, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, इक्वेशन नंबर 2 हमने अप्लाई किया, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको लेने वाला कैपेसिटर ही है और तो कोई है नहीं, तो इसलिए जो ये वोल्टेज है वो इस वाली वोल्टेज के क्या होगी, इक्वल होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को हम इक्वल पुट कर सकते हैं, यानी Q by C is equal to हो जाएगा E naught sin omega t के इक्वल। और अगर मैं यहां से Q निकालूं तो Q आ गया C E naught sin omega t। लेकिन मुझे क्या चाहिए बच्चों, यहां से करंट चाहिए, तो करंट I किसके इक्वल होगा, dQ upon dt के इक्वल होगा। ठीक है, dQ upon dt के इक्वल होगा। तो यहां से करंट निकालो, I is equal to d upon dt, Q की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं, कितनी है C E naught sin omega t। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो I is equal to C E naught हमारे पास कांस्टेंट है, वो हमने बाहर रखा। sin omega t का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, cos omega t, cos omega t, और ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ओमेगा हो जाएगा। अब इस करंट को मैं स्टेप से लिख सकता हूं, I is equal to E naught, ये जो C into ओमेगा है या ओमेगा into C है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 upon ओमेगा C, क्योंकि ऊपर वापस ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर ये cos ओमेगा t आया, देखो cos ओमेगा t, लेकिन मैंने अप्लाई क्या किया था, sin ओमेगा t की फॉर्म में किया था, तो उसको मुझे वापस sin में चेंज करना है। तो इसको sin में चेंज करने के लिए मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, ओमेगा t, ठीक है, यानी 90 प्लस ओमेगा t, यानी 90 पे cos में चेंज हो जाएगा, तो मैंने इसको लिखा 90 प्लस ओमेगा t। इसको वापस चेंज करेंगे तो ये हमारे पास cos ओमेगा t में निकलकर इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, sin ओमेगा sin pi by 2 plus omega t, तो वापस हमारे पास वही टर्म ये बन जाएगी यहां से। ओके, नाउ अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि I is equal to E naught 1 upon omega t, यानी जो पूरा करंट है मैक्सिमम कब होगा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं I will be maximum कब होगा, जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी सिर्फ sin पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी क्या हो जाए बच्चों, 1 हो जाए ना। साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी की वैल्यू जब मेरे पास 1 हो जाएगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो वो मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी, उसको लिख लेते हैं, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, और इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे, जिसको पुट करने की जरूरत नहीं है, तो इसको इक्वेशन नंबर में 3rd नेम दे रहा हूं। ओके, तो यहां से मुझे E naught upon 1 upon omega c की वैल्यू मिल जाती है, जो I naught के इक्वल है। तो ये जो I है वो क्या लिखा जाएगा, I is equal to I naught sin omega t plus pi by 2, pi by 2 plus omega t है, omega t plus pi by 2 बाद की है। तो ये देखो मेरे पास करंट निकल कर आ गया, ये क्या था मेरे पास वोल्टेज जो मैंने अप्लाई किया था, ये मेरे पास क्या है करंट। तो हम देख सकते हैं कि करंट पाई बाई 2 आगे है वोल्टेज से, जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, पाई बाई 2 आ रहा है, और जो वोल्टेज है वो
लैग बिहाइंड कर रही है, या मैं बोलूं जो करंट है, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय पाई बाय टू। करंट वोल्टेज को पाई बाय टू एंगल से लीड कर रहा है। क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। ओके, अभी मैं इक्वेशन थर्ड को डिस्कस कर लेता हूं, ये हमारे पास। उसके बाद इसका एक हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसको हम फेजर ग्राफ या फेजर डायग्राम कहते हैं। तो मैं करंट को इधर लिख लेता हूं, जो मेरे पास इक्वेशन आई है, I is equal to I naught sine omega t plus pi by 2। अब इसका ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा कैपेसिटर, वो हम यहां पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसको मैं यहां से रब कर देता हूं, इक्वेशन थर्ड को मैं रहने देता हूं, इक्वेशन थर्ड की हमें जरूरत पड़ेगी यहां पर। अगर इक्वेशन थर्ड को मैं ओम्स लॉ के साथ कंपेयर करूं, यहां पर मैं लिखता हूं कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड विद ओम्स लॉ। तो इक्वेशन थर्ड को ओम्स लॉ के साथ कंपेयर करो तो क्या लिखा जाएगा बच्चों? वो करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ये मेरे पास लिखा जाएगा। तो देखो, करंट है, करंट है, वोल्टेज है, वोल्टेज से, ये तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर वो कितना आ गया, जिसको मैं एक्स सी नेम दे रहा हूं। तो एक्स सी किसके इक्वल आ जाएगा? वन अपॉन ओमेगा सी के इक्वल, जिसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी कहते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो कितना आ गया? एक्स सी इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी, और ओमेगा की वैल्यू आप जानते हैं, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं वन अपॉन टू पाई न्यू सी। और यहां से अगर मैं ग्राफ देखूं तो देखो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एक्स सी अगर इधर है और फ्रीक्वेंसी इधर है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शन का ग्राफ हमारे पास हाइपरबोला ऐसे बनता है। तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा। ओके, और अगर मैं यहां पर बात करता हूं फॉर डीसी सर्किट्स, डीसी सर्किट्स के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जीरो होती है। और अगर फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी होगा, यानी जो कैपेसिटर है वो डीसी सर्किट्स के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। इसका मतलब कि कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देगा, ठीक है? यानी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस किया तो करंट पास ही नहीं होने देगा अपने में से। एक बार चार्ज हो गया उसके बाद हमारे पास करंट इसमें से फ्लो ही नहीं होगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस उसने ऑफर कर दिया। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करने का मतलब कि कैपेसिटर ने डीसी को ब्लॉक कर दिया है। कैपेसिटर डीसी क्या कर दिया बच्चों? ब्लॉक कर दिया है। अब मैं इसके फेजर डायग्राम को डिस्कस कर लेता हूं कि जो हमारे पास करंट और वोल्टेज में पाई बाय टू एंगल का डिफरेंस आया था, उसको ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो देखो, ये पाई बाय टू एंगल पर है, ये यहां पर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये मेरे पास वोल्टेज इधर की तरफ, मैक्सिमम वोल्टेज ई नॉट, और एक्स एक्सिस के साथ ये ओमेगा टी एंगल बना के है। तो ये ओमेगा टी एंगल बना के ई नॉट मैंने लिखा। तो हम यहां से देख सकते हैं कि ये जो मेरी साइड है, ये हमारे पास क्या आएगा बच्चों? ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी को रिप्रेजेंट करेगा। अब जो करंट है वो 90 आगे है। इंडक्टर केस में हमने पीछे बनाया था क्योंकि रोटेटिंग वेक्टर हमारे पास ऐसे होता है। अब हम इसको आगे बनाएंगे, तो आगे मैंने ये बनाया, ये मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चों? आई नॉट, मैक्सिमम करंट आई नॉट, और ये आगे है, इसलिए जो ये वाला पॉइंट है 90 डिग्री आगे है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो मुझे रिप्रेजेंट करेगा क्या बच्चों? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, ये मुझे रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? और अगर मैं इसी चीज को लेके इसको कर्व वाली लाइन में ड्रॉ करना चाहूं, तो कर्व वाली लाइन में कैसे ड्रॉ होगा ये फेजर डायग्राम,
वो भी हम यहां पर देख लेते हैं कि ये हमारे पास इस टाइप से, ये जो लाइन है ये वोल्टेज की लाइन है, तो वोल्टेज मेरे पास ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे बढ़ेगी, या इसका केवल एक ही साइकिल हम दिखा लेते हैं, और ये मेरे पास करंट वाली लाइन है, तो करंट 90 आगे से स्टार्ट हो रही है, तो करंट को यहीं से स्टार्ट करेंगे तो 90 आगे हमारे पास ये हो जाएगी, और वोल्टेज से थोड़ी सी कम रहती है, रेजिस्टेंस इसका अपोज करता है, तो इस टाइप से हमारे पास ये करंट, ये वोल्टेज की लाइन आ जाएगी और ये मेरे पास करंट की लाइन आ जाएगी जो 90 डिग्री आगे है। तो ये फेजर डायग्राम है हमारे पास एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली का। ओके, थैंक यू सो मच।